गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। एवरीवन प्लीज चेक ऑडियो साउंड, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी एक बार चेक कीजिएगा। इमीडिएटली विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग ऑल। जी हाँ, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, रिप्लाई नहीं आ रहा है। यस फ्रेंड्स, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई, चेक कीजिएगा। यस फ्रेंड, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ओके, सो मेरे स्क्रीन पे रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, आई हैव गॉट ऑल द रिप्लाई। यस फ्रेंड्स, सो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक, दैट इज कॉस्ट शीट। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, मई 2018, नवंबर 2018, मई 2019, नवंबर 19 एंड नवंबर 2020, हर एक अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक कॉस्ट शीट का एक सिंपल फॉर्मेट आपने समझ लिया, ठीक है, कंसेप्चुअली वो फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो आराम से यू कैन स्कोर 10 मार्क्स एंड पास्ट रिकॉर्ड 100% अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे 100% आने वाला है। अगले अटेम्प्ट में भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये सिंपल टॉपिक आपको 10 मार्क्स देगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आराम से, बहुत ही आराम से, एक सिर्फ फॉर्मेट है और बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो यस फ्रेंड्स, 10 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये 100% प्रैक्टिकल टॉपिक है, सिर्फ एक इसमें थियरी क्वेश्चन है, सिर्फ एक, आपके पूरे स्टडी मटेरियल में सिर्फ एक थियरी क्वेश्चन है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एकदम एंड में। ठीक है, वो हम लोग एकदम एंड में देखेंगे। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कॉस्ट शीट से। फ्रेंड्स, अगर आपको याद आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्या था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का, सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा था कि उसका वर्क करना क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने से लेके पीरियोडिकली जब तक आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हो, वो सारे स्टेप्स आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में, यानी पीरियोडिकल स्टेटमेंट, यानी यहां पे आपको क्या वर्कआउट करना है, यू हैव टू प्रिपेयर हियर कॉस्ट शीट, आपको यहां पे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मुझे जल्दी से टॉपिक नंबर वन में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या थे एक मैसेज में टाइप करके बताइएगा। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जल्दी से, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या थे।
जी हाँ फ्रेंड्स, जल्दी से बताइएगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या थे, फटाफट से। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट डिटेल में बताइएगा फटाफट, चलो जल्दी करना है हमें। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या था, पूरा डिटेल में चाहिए। कुछ लोग सिर्फ लिख रहे हैं मटेरियल है था, लेबर था, एक्सपेंसेस था, फिर कुछ लोग लिख रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, व्हाट एवर, यानी डिटेल में कुछ लोग लिख रहे हैं। ओके, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, मेजर ये तीन हेड था आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स अगर वो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आप ऑब्जर्व करेंगे तो कॉस्ट शीट आपको आराम से आ जाएगा। ओके चलेगा, अभी मैसेज टाइप करना बंद कर दीजिएगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस सम सीरियस पॉइंट्स नाउ। देखिए कुछ सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूं। फ्रेंड्स आपका था डायरेक्ट मटेरियल, एक था आपका डायरेक्ट लेबर, एक था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक था आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर हमने इनडायरेक्ट मटेरियल देखा था, नेक्स्ट आया था आपका इनडायरेक्ट लेबर, नेक्स्ट वन आया था फ्रेंड्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी हाँ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर आपको याद आ रहा है ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कहां पे क्लासिफाई होएगा, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स में जाएगा। और ओवरहेड्स की तीन कैटेगरी है, ध्यान से देखिएगा, ओवरहेड्स की तीन कैटेगरी था। एक था आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स मालिक, एक था आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और एक था आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उसे ही हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीखेंगे। कॉस्ट शीट से आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बहुत आराम से आप वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपको याद आ रहा है जल्दी से बताइएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाता है। गुड मॉर्निंग, ध्यान से देते रहिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाता है, देख के नहीं बताना है। पिछला नोट्स आप कॉपी करके देख के मत बताइएगा, फटाफट दीजिएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा। यस फ्रेंड्स आप बराबर आंसर दे रहे हो, आपका वो जाएगा प्राइम कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कहां पे जाएगा आपका, प्राइम कॉस्ट में। ओके चलिए मुझे आंसर मिल गया, स्टॉप आंसरिंग नाउ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका जाएगा प्राइम कॉस्ट में। तो पहले चार लाइन तो आपके कॉस्ट शीट के आपको पता चल गया। कॉस्ट शीट में सबसे पहला आइटम है डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट शीट में दूसरा आइटम है डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट शीट में तीसरा आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तीनों अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइम कॉस्ट के बाद आपको ओवरहेड्स एक 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 ऐड करना है। सबसे पहले आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे, उसके बाद आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस है। पहले प्रोडक्शन होगा तो फैक्ट्री, फिर आपका सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा होगा, ऑफिस वगैरह में वर्किंग होगा, और उसके बाद आप वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाएंगे। तो ये जो ओवरहेड है वो आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले फैक्ट्री में, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आपको सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो। ओके नाउ फ्रेंड्स आपको जो नोट्स दिया है शायद आप लोगों ने वो डाउनलोड किया रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मैंने आपको दिया था ये टॉपिक का, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया एक बार चेक। क्या ये सारे नोट्स आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए? मैंने कॉस्ट शीट का नोट्स डाला था, क्या आपने वो डाउनलोड किया है, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। ओके यस सर आपने डाउनलोड कर लिया है, चलेगा ठीक है।
ऑलरेडी हमने देखा था फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका ओवरहेड्स में जाता है. ओवरहेड्स की कैटेगरी था प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, चलेगा फ्रेंड्स. अब फ्रेंड्स कॉस्ट हेड अंडर कॉस्ट शीट, अब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स. कॉस्ट शीट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया, अब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया. बहुत मजा आएगा. एंड फ्रेंड्स मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट दिखाऊंगा और आज आप खुद से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपका पूरा सॉल्व होने के बाद, आपके आंसर्स में देखने के बाद मैं सॉल्व करूंगा और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. इतना डिटेल में ये कंसेप्ट में आपके दिमाग में फिट करने वाला हूं. ओके, तो फ्रेंड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिएगा, कंसेप्ट पे पूरा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा आपका होने के बाद ही मैं सॉल्व. तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट 100. आप यहां पे भाई 10 मार्क का सवाल है, 10 मार्क्स बहुत बड़ी चीज है बाबू. ये जो 10 मार्क्स है फ्रेंड्स आपके पासिंग का 25% है. कॉस्टिंग में जो पासिंग का 40 मार्क्स है उसका 25%, यानी फ्रेंड्स अगले दो तीन लेक्चर में आप 25% श्योर हो कि आप पास होने वाले हो. प्रोबेबिलिटी सीखे ना 12th में, प्रोबेबिलिटी सीखे ना, प्रोबेबिलिटी 10 / 40 प्रोबेबिलिटी, 25% प्रोबेबिलिटी हो गया आपका पास होने का. तो ये टॉपिक 3-4 दिन में, जितना भी दिन में खत्म होएगा फ्रेंड्स 100% 10 मार्क्स आप लेके जाएंगे, अगेंस्ट 25% श्योरिटी आप पास हो जाएंगे. राइट, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपका 25%. ठीक है, एंड फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं. ठीक है, मैक्सिमम काफी लोग इसका 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा के लेते हैं क्लास में. वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर देन 24 क्वेश्चंस. ये रिकॉर्ड है फ्रेंड, कोई इतना 24-25 क्वेश्चन नहीं करवा के लेता है, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन क्लास. ठीक है ना, क्योंकि 10 मार्क्स का सवाल है और ये सर जी फॉर्मेट है. एक बार फॉर्मेट दिमाग में फिट हो गया, एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बॉस तोड़ आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, साउंड प्रॉब्लम कुछ लोग बोल रहे हो, साउंड का कुछ प्रॉब्लम है बॉस? आई डोंट थिंक सो कि कोई साउंड में प्रॉब्लम है. मैं भी चेक कर लेता हूं, आप भी चेक कीजिएगा. साउंड में कुछ लोग बोले प्रॉब्लम है. यस फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हो सब ठीक है, अभी तक तो सब ठीक है सर, परफेक्ट साउंड है. नो, चलो कॉस्ट हेड इन कॉस्ट शीट. सुनिएगा, चलो आ गया, मुझे रिप्लाई आ गया ध्यान से. अब आप सुनिएगा, 10 मार्क्स का सवाल है बॉस, आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा. ओके, बार बार मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको 10 मार्क्स से 3 दिन में देके जाना है. आगे सबसे पहला हेड है फ्रेंड प्राइम कॉस्ट. आपके कॉस्ट शीट में कुछ हेडिंग रहेगा, ठीक है, जैसे कि आपका बैलेंस शीट का कुछ हेडिंग रहता है फ्रेंड्स, अगर आपको याद आ रहा है बैलेंस शीट में क्या क्या हेडिंग रहता है. एसेट साइड का हेडिंग बता दीजिए, एक ग्रुप बता दीजिएगा फटाफट से. बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप ग्रुपिंग करते हो तो क्या क्या ग्रुप रहता है, मुझे थोड़ा सिखाओ. बहुत दिन हुआ मैंने अकाउंट्स नहीं देखा है, जल्दी बताइएगा. बैलेंस शीट के कुछ आप मुझे एसेट साइड के हेड्स बता दीजिए कि जनरली हम लोग उसमें क्लासिफाई करते हैं अपना सारे एसेट्स. आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी आंसर दीजिए. अच्छा, एक है आपका फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट. ओके, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट. ओके, ओके, फिक्स एसेट में सबसे पहले आप क्या लिखते हो, सपोज बिल्डिंग लिखते हो, मशीनरी एक्सेट्रा, वो आप लिखते हो. उसके बाद आएगा आपका करंट एसेट, करंट एसेट में स्टॉक वगैरह रहता है, यानी कुछ हेड थे आपके बैलेंस शीट में. लाइबिलिटी साइड में भी आपका कुछ हेड था, सपोज कैपिटल अकाउंट था,
इसके बाद लोन्स था, एडवांसेस था, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन था और करंट लाइबिलिटी एक्सेट्रा, ऐसे कुछ तो भी क्लासिफिकेशन था। वैसे ही फ्रेंड्स अपने को कॉस्टिंग में कुछ हेड्स है। सबसे पहला हेड है आपका प्राइम कॉस्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्राइम कॉस्ट में आएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, प्राइम कॉस्ट के बाद जो हेड आएगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद जो हेड आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आएगा COGS, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, एक एक पॉइंट आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट वन, अगला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगला है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है आगे देखेंगे। तो प्राइम कॉस्ट आ गया, प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और COS कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अलाउड है, आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पहले हेड से, दैट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, प्राइम कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट में आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको ये किसी ने भी पूछा तो आप आराम से बता सकते हो कि प्राइम कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक के सेकेंड या थर्ड डे में ही देखा था, डायरेक्ट कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइम कॉस्ट। ओके, अब हम लोगों को देखना है, एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल में कैसे कैसे वर्किंग करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में हमें वर्कआउट करना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब आप देख के नहीं बताएंगे, प्लीज एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर, आप देख के आंसर नहीं बताएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको परचेसेस दिया है, प्लीज हा ईमानदारी में बोल रहा हूं, ओके, पाप लगेगा अगर आप देख के आंसर देंगे तो। फ्रेंड्स एक रहता है आपका परचेसेस, दूसरा रहता है आपका ओपनिंग स्टॉक, और तीसरा रहता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो मटेरियल कितना आपने यूज किया, इसका फॉर्मूला मुझे आप बता दीजिएगा। दुर्गा जी, प्राइम कॉस्ट का मीनिंग हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट टॉपिक के वक्त बताया था। प्राइम कॉस्ट यानी आपका मेन कॉस्ट, मेजर जो कॉस्ट लगता है वो आपको प्राइम कॉस्ट रहता है, प्राइम यानी मेजर, ठीक है। चलो चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके, देख के आप आंसर नहीं दे रहे हो, चैंप लोग, चैंप लोग आप खुद से आंसर दे रहे हो, जो आपने सीखा है 11th 12th में उसके बेसिस पे आप आंसर दे रहे हो। ओके, काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर जी कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। ओपनिंग कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये गलत है। इंडिया, ये जो है KH होम ट्यूशन इंडिया, ये आंसर गलत है। ओपनिंग कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मैं सिर्फ ये तीन कंसेप्ट यूज करके आपको कंजम्पशन पूछ रहा हूं, तो कंजम्पशन में आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजम्पशन, और कॉस्ट शीट में लेते वक्त मटेरियल कंज्यूम आपको कंसीडर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ एडजस्टमेंट है, इसके बाहर मटेरियल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब तक जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, जो भी कुछ आपके स्टडी मटेरियल में ओल्ड सिलेबस में आ चुके, नए सिलेबस में आ चुके हैं, ठीक है, आपके जो भी कुछ रेफरेंस बुक में है, मटेरियल में इसके बाहर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मटेरियल में इसके बाहर कोई एडजस्टमेंट नहीं। दो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट मैंने यहां पे दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड, क्या दिया सर जी, कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड। जो रॉ मटेरियल आप परचेस कर रहे हो वो आपने मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री से आपके फैक्ट्री तक लेके आ रहे हो, तो वहां पे आपको जो भी कुछ कैरेज लगा है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, कैरेज इनवर्ड वो कंसिडर किया जाएगा या फ्रेट इनवर्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपका लेस करना है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल। फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट जानबूझ के आपको कंफ्यूज कराएगा,
एक है मटेरियल का स्क्रैप वर्ड यूज करेंगे और एक है प्रोडक्शन का स्क्रैप यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, मटेरियल पड़े पड़े खराब हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्सलेंसेस। ठीक है, ऑप्सलेंसेस, ऑप्सलेंसेस का एकदम सिंपल मीनिंग, सपोज एक्सपायरी डेट चला गया मटेरियल का, तो आप क्या कर देंगे उसको, जो भी कुछ पैसा आता है बेच देंगे, स्क्रैप में, भंगार में आप उसको बेच देंगे। राइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्क्रैप ऑफ मटेरियल, अगर स्टोर रूम से ही मटेरियल आप बेच देते हो, ठीक है, तो कुछ पैसा आएगा स्क्रैप में एक्सेट्रा, तो आपको वो क्या करना है, मटेरियल का जो कॉस्ट है उसमें से लेस करना है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब कुछ खर्चा जा रहा है, मटेरियल परचेस किया खर्चा है एक्सेट्रा, तो और अगर आपको बेचने के बाद कुछ पैसा मिला तो ये कॉस्ट में से आपको लेस करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर आप रॉ मटेरियल बेचते हो, रॉ मटेरियल अभी आपका खराब हो रहा है, तो आपने वो जो पैसा आया वो पैसे में बेच दिया, तो सपोज आपको 1,000 रुपए मिले ये स्क्रैप से, आप क्या करेंगे, जो मटेरियल का कॉस्ट है, कंजम्पशन है मटेरियल का, उसमें से वो लेस करेंगे, क्योंकि बाकी सारा खर्चा है और ये आपका इनकम है, तो नेट खर्चा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बाहर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा, ना आज तक आया है ना इन फ्यूचर आएगा। कंसेप्ट क्लियर रखो, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आएगा आपका परचेसेस, तीसरा परचेस करते वक्त आपको अगर कैरेज इनवर्ड पे किया है, फ्रेट इनवर्ड पे किया है, ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वो भी उसमें ऐड करना पड़ेगा खर्चे में। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको लेस करना है, एंड अगर स्टोर रूम में, मार्क माय वर्ड, स्टोर रूम में मटेरियल खराब हो जाता है और बाय वॉट एवर द रीजन वो मटेरियल आप बेच देते हो, कुछ पैसा आपको आता है, तो फ्रेंड्स ये जो मटेरियल कंजम्पशन आप वर्कआउट कर रहे हैं उसमें से आपको ये लेस करना पड़ेगा। सर यस, जितना आएगा उतना आपको लेस करना है, भले ही मटेरियल की प्राइस 10,000 है, आपने 1,000 में बेच दिया, तो 1,000 पैसा अगर, जो वॉट एवर 1,000 रुपीज आता है वो हमें लेस करना है। ठीक है चलेगा। ओके होप ये मटेरियल कंजम्पशन क्लियर है। तो फ्रेंड सबसे पहले एकदम आराम से, एकदम डिटेल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं। सबसे पहला कॉस्ट शीट का पॉइंट था डायरेक्ट मटेरियल, और उसमें भी था कंजम्पशन, डायरेक्ट मटेरियल और उसमें भी था कंजम्पशन, कंजम्पशन का एडजस्टमेंट हमने देख लिया। फ्रेंड्स सेल ऑफ स्क्रैप का क्या करना, उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करना है, वो हमें अभी कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, वो आगे देखेंगे मटेरियल टॉपिक में देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें दो कंसेप्ट है, नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, फिर नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट अलग है, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है ना, हमें वो अभी नहीं देखना कि लॉस कितना हुआ, कि 10,000 का मटेरियल आया और 1,000 में बेचा, ठीक है, वो लॉस का क्या करने का है, ये यहाँ पे हमें वर्किंग नहीं करना है। उसका जो ट्रीटमेंट है वो बाद में देखेंगे जब अकाउंटिंग एंट्रीज आएगा। ठीक है, और उसमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करके अलग से करना है, और हमने ये कुछ पार्ट पहले कंसेप्ट के वक्त, पहले टॉपिक के वक्त डिस्कस किया था। नॉर्मल अगर है, नॉर्मल अगर है तो वो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, अगर एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएनएल है, कैसे है वो आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हमें जितना दिया है कि भाई अगर कुछ पैसा आता है वो लेस करना है। ओके चलिए, लॉस का ट्रीटमेंट वगैरह वो बाद में देखेंगे, ये टॉपिक में वो लॉस का ट्रीटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। सो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन सबसे पहला लाइन आपके जो कॉस्ट शीट है उसका हमने कंप्लीट किया, ओपनिंग स्टॉक लिया, परचेसेस लिया, कैरेज इनवर्ड ऐड कर दिया, फ्रेट इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, और अगर कुछ पैसा मिलता है, रिकवरी अगर होती है रॉ मटेरियल बेच के, तो वो हमने लेस कर दिया। इससे हमें पता चल गया मटेरियल कंजम्पशन कितना है। चलेगा, अब कॉस्ट शीट के दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, दूसरे लाइन पे आते हैं। कॉस्ट शीट का जो दूसरा लाइन है, कॉस्ट शीट का दूसरा लाइन है डायरेक्ट एम्प्लॉय। अब इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वर्कर विच इज डायरेक्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जिसका काम फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है, ये आपके डायरेक्ट वर्कर है, जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एम्प्लॉई है। अब ये डायरेक्ट एम्प्लॉई का जो कॉस्ट है इसमें क्या क्या कवर होगा फ्रेंड्स, अभी आप टैक्सेस, आपका टैक्स का लेक्चर स्टार्ट हुआ है, आपको एक टॉपिक पढ़ना है सैलरी का,
करके एक टॉपिक है। अगेन ये सैलरी करके टॉपिक है, तो सैलरी टॉपिक में आपको काफी सारे अलाउंसेस आएंगे, परक्विजिट आएंगे, कुछ वर्कर लोगों को बेनिफिट दिया, लीव बेनिफिट हो गया, मेडिकल का बेनिफिट दे दिया। अगेन तो ये सब कुछ आएगा, ठीक है। तो वेजेस में क्या क्या कवर होगा डायरेक्ट वेजेस में, देखिएगा। सबसे पहले तो वेजेस एंड सैलरी, अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स, ओके। इसके बाद आएगा ओवर टाइम पेमेंट। ओवर टाइम क्या है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ओवर टाइम क्या है, ठीक है। आज मैंने 10 बजे तक क्लास लिया, ठीक है। आज मैंने 10 बजे तक क्लास ले लिया, और जैसे ही आपका टैक्स का लेक्चर 4 o'clock कंप्लीट होएगा, मैंने आपको बोल दिया कि 4:30 to 6 वापिस आपको कॉस्टिंग का लेक्चर करना है। ओ भाई, ये जस्ट एग्जाम्पल है, नहीं तो 4:30 को लैपटॉप ऑन करके बैठेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ ओवर टाइम का क्या है। मेरा नॉर्मल टाइम क्या है, सपोज मेरा नॉर्मल टाइम है 8:15 से लेके 10 बजे तक, ये मेरा नॉर्मल टाइम है। लेकिन मैंने आपको बोला आज टैक्स का लेक्चर खत्म होने के बाद आपको वापिस से 1.5 घंटा पढ़ाई करना है, तो आप बोलेंगे ये आप ओवर टाइम करवा रहे हो, ठीक है। आप क्या करवा रहे हो, ओवर टाइम करवा रहे हो। तो वर्कर को नॉर्मल टाइम से ज्यादा अगर आप काम करवाते हो, ठीक है, तो वो उनका ओवर टाइम रहता है, और ओवर टाइम ज्यादा रेट से पे करना पड़ता है, वो हम लोग लेबर टॉपिक में आगे देखेंगे, ओके। देन एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, अगर आपके पेरेंट्स में कोई सैलरी अर्न करता रहेगा तो उनको पता रहेगा ये पीएफ क्या है, प्रोविडेंट फंड, ओके, इन्वेस्टमेंट टाइप है। देन अदर वेलफेयर फंड, इंश्योरेंस फंड एक्सेट्रा, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, देन बोनस दिया, ठीक है, अच्छा काम किया तो बोनस दिया। टॉपिक नंबर 3 में, टॉपिक नंबर 4 में सॉरी, एम्प्लॉय कॉस्ट में बोनस देखने वाले हम लोग। नेक्स्ट वन अदर बेनिफिट, जैसे कि लीव विथ पे, मेडिकल बेनिफिट दिया, लीव ट्रैवल कंसेशन दे दिया एक्सेट्रा, तो वेजेस में ये सब कुछ इंक्लूड होगा, ओके। क्या क्या इंक्लूड होगा मालिक है, अरे आंसर देते रहिएगा, वेजेस में क्या क्या, बोलते रहिएगा, लिखो मत, टाइप मत करो, बोलते रहिएगा फ्रेंड। वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले आपका बेसिक वेजेस होएगा, देन आपको बेसिक वेजेस में बोनस ऐड करना है, ओवर टाइम का प्रीमियम एक्सेट्रा, वो ओवर टाइम के वेजेस आपको ऐड करना है। फिर आपको कुछ बेनिफिट दिया, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इन्वेस्टमेंट किया आपके बिहाफ पे, प्रोविडेंट फंड में, अदर फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सारे आपके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा। लेकिन कॉस्ट शीट में ना सर, कॉस्ट शीट में ऐसे अलग अलग नहीं देते, कॉस्ट शीट में आपको डायरेक्टली दे देंगे डायरेक्ट वेजेस 10 लाख का, इनडायरेक्ट वेजेस 5 लाख का, ठीक है। ये आगे के टॉपिक में आपको देखना है कि लेबर टॉपिक में इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या करना है। नेक्स्ट वन, वेरी गुड दुर्गा जी, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ओके, सपोज मैं वी स्मार्ट में काम करता हूं, और टाइम के हिसाब से ठीक है, वो मुझे लेक्चर के लिए पेमेंट करते हैं। सपोज 1 घंटा अगर मैं लेक्चर लिया तो वो मुझे 10,000 रुपए पे करते हैं, तो जनरली 8 to 10 मेरा 2 घंटे का लेक्चर है तो मुझे वो 20,000 रुपए देते हैं। लेकिन अगर आज मैंने, वेरी गुड एग्जांपल, अगर आज मैंने वापिस से 1.5 घंटे का क्लास लिया तो 15,000 रुपए और मुझे मिलेगा, और ये 15,000 वी स्मार्ट एकेडमी के लिए ओवर टाइम है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, थैंक यू दुर्गा जी। ओ भाई, आई एम नॉट अ सैलरीड पर्सन, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, मैं सैलरी पे काम नहीं करता हूं, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। अगेन लीव विथ पे का मतलब क्या है, ओके, लीव विथ पे का मतलब क्या है, नाम में ही पता चल जाता है कि छुट्टी ले लो लेकिन पैसा कट नहीं होएगा, छुट्टी ले लो लेकिन पैसा कट नहीं होएगा। कुछ 1 दिन 2 दिन महीने में अलाउड रहता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है, जब आप छुट्टी ले सकते हो, लेकिन आपका जो पगार है, आपका जो सैलरी है, आपका जो वेजेस है, वो कट नहीं होएगा, उसको बोलते लीव विथ पे। चलिएगा, सो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए, आप बोल रहे हो गवर्नमेंट जॉब, नहीं भाई गवर्नमेंट जॉब में कोई काम करता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट वन चलिएगा, अगला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपको अगर वर्ड लेबर यूज करना है तो लेबर यूज कर कीजिएगा, एम्प्लॉय वर्ड यूज करना है तो एम्प्लॉय कॉस्ट आप यूज कर सकते हो। चलिए
अब तीसरे कंसेप्ट की तरफ आते हैं। तीसरा कंसेप्ट है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑलरेडी इन द फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस इन डिटेल डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। एंड एग्जाम्पल दिया था रॉयल्टी, हायर चार्जेस, इक्विपमेंट आपने हायर पे ले लिया तो हायर चार्जेस, ठीक है, पेटेंट्स का, कॉपीराइट का, व्हाट एवर द पेमेंट आपने किया, रॉयल्टी का पेमेंट किया, वो कवर होएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का स्पेसिफिक डिजाइन किया, एक प्रोडक्ट कॉमन डिजाइनिंग नहीं है सारे प्रोडक्ट का, एक आधे प्रोडक्ट का स्पेसिफिक डिजाइन किया, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने वो प्रोडक्ट के लिए सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट वन सर जी, अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, ठीक है, समझ गया ये पॉइंट। ये जो एफ पॉइंट है अभी आप मत पढ़िएगा, ओवर ए टॉपिक में वो समझेगा, अदरवाइज आपका कंफ्यूजन होगा। जी पॉइंट देख लो, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ। ये नो हाउ का मतलब क्या है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, उसके रिलेटेड ही ये पार्ट है। चलिएगा, तो इन शॉर्ट इंस्टीट्यूट है ना, दो या तीन ही, दो ही कंसेप्ट यूज करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। एक रॉयल्टी यूज कर सकता है, आउटसोर्सिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस एक्सेट्रा ये यूज करता है, मैक्सिमम टाइम ये दो ही आपको एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कॉस्टशीट का तीसरा आइटम हमने कंसिडर कर लिया है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको एक मेजर हेड उन्होंने दिया था और वो मेजर हेड था प्राइम कॉस्ट, राइट फ्रेंड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेजर हेड था आपका प्राइम कॉस्ट। आई होप यहां तक आपको कुछ भी डाउट नहीं है, आई होप यहां तक आपको कुछ भी डाउट नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट था। डायरेक्ट मटेरियल में क्या लेना है, तो डायरेक्ट मटेरियल में कंजम्पशन लेना है। कंजम्पशन कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड रहेगा, फ्रेट इनवर्ड रहेगा, तो ऐड कर दो। अगर कुछ पैसा मिला मटेरियल बेच के, ठीक है, अगर स्क्रैप में बेच दिया और वॉट एवर, तो वो अपने को लेस करना है कंजम्पशन। डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आएगा वो हमने समझा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा वो हमने समझ लिया, एंड ये आपको कुल मिला के बनेगा प्राइम कॉस्ट। फ्रेंड्स, इतना भी आप एग्जाम में लिख के आते हो तो 10 में से 2 मार्क्स मिलेगा। इतना भी अगर एग्जाम में लिख के आते हो तो 10 में से 10 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, चलेगा फ्रेंड्स, अब आप बताइएगा, ओ भाई एग्जाम में कलर, अच्छा दुर्गा जी, एग्जाम में कलर पेन अलाउड नहीं है, एग्जाम में कलर पेन, मार्कर एक्सेट्रा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में आप पूरा ब्लैक पेन से ही लिखने वाले हो, हाँ आप अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से या फिर पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हो, तो प्लीज अलग अलग पेन यूज मत करना। इंस्टीट्यूट से आपको फोन आ जाएगा, आओ अपियर हो में, यानी उनके सामने अपीयर होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू जस्टिफिकेशन, ठीक है। सर जी मेरा एक खासम खास दोस्त था, एकदम खासम खास दोस्त था, ठीक है। वो खासम खास दोस्त ने क्या किया, अब उसको पता नहीं था, नया नया उसने एग्जाम दिया था, फ्रेशर्स था, फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटरमीडिएट का, ओके। तो क्या हुआ, उससे जो सप्लीमेंट आता है ना, सप्लीमेंट, ठीक है, मेन पेपर के बाद आप जो अटैच करते हो वो सप्लीमेंट, फ्रेंड्स उसने उसके जो सप्लीमेंट है वो सप्लीमेंट में उसका रोल नंबर लिख के आ गया, जो अलाउड नहीं रहता है वो रोल नंबर लिख के आ गया। फ्रेंड्स उसको इंस्टीट्यूट के सामने अपियर होना पड़ा, ये मिसकंडक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपका जो पेपर रहता है, जो फर्स्ट पेज रहता है, फर्स्ट पेज है ना, ये कट हो जाता है, ठीक है, और यहां पे बारकोड लगाया जाता है, यहां पे बारकोड लगाया जाता है, और जब पेपर चेक करने के लिए जाते हैं तो जहां पे आपने रोल नंबर, आपका वॉट एवर, आपके जो डिटेल लिखे थे वो कट हो जाता है, पेपर चेकर के बाद सिर्फ आगे का पार्ट रहता है और उसके एक बार कोड लगाया जाता है और वो चेक होता है। तो उसने मालिक वहां पर उसका रोल नंबर लिख किया गलती से, तो उसको आईसीआई का चलो बुलावा आया है, आईसीआई ने बुलाया है, ठीक है, उसको जाना पड़ा और अपीयर होना पड़ा। तो जो स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स वही आपको फॉलो करना है। सो यू विल नॉट यूज एनी अदर
मार्कर पेन, एनी अदर कलर पेन, ठीक है। ये तो हम लोगों को समझने के लिए मैं ये अलग पेन का यूज कर रहा हूं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एग्जाम में ऐसा कोई नहीं करेगा बॉस, नहीं तो चलो बुलावा आया है, इंस्टीट्यूट ने बुलाया है, ठीक है। और कुछ आपको चढ़ावा देना पड़ेगा, फाइन्स एंड पेनल्टी लगेगी, चलेगा। तो ये था आपका प्राइम कॉस्ट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। मैं बताते जाऊंगा फ्रेंड्स एग्जाम में क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है, कैसे प्रेजेंटेशन करना, वो मेरा पार्ट है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन कॉस्टिंग, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक? तो टाइम टू टाइम आई विल गाइड यू अबाउट दैट। फ्रेंड्स अभी क्या क्या बचा है सर, जल्दी से बताइएगा। अभी कौन सा कॉस्ट बचा है? डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना, वो गया हमारा प्राइम कॉस्ट में। अब बचा क्या है, फटाफट से टाइप कीजिए और आंसर दीजिएगा। बचा क्या है, बचा क्या है? ओवरहेड्स बचे, वेरी गुड, ओवरहेड्स बचे। ओवरहेड की कितनी कैटेगरी थी? तीन कैटेगरी थी ओवरहेड की, ठीक है। एक आपका फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री या प्रोडक्शन, दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ओवरहेड, और तीसरा था आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फ्रेंड्स कॉस्ट शीट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लब करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलेगा। सो फ्रेंड्स मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, ओवरहेड की क्या सीक्वेंस थी, ओवरहेड की क्या सीक्वेंस थी? मुझे मुक्ता जी एकदम बराबर आंसर देते थे, दे रहे हैं। ओवरहेड का एक सीक्वेंस उन्होंने लिख के भेजा है। ओवरहेड के सीक्वेंस में उन्होंने सबसे पहले बोला सर आप पहले फैक्ट्री लीजिए, फैक्ट्री के रिलेटेड ओवरहेड, प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड लीजिएगा, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड ओवरहेड लीजिएगा, और फिर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ओवरहेड ले ले लीजिएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले गुड्स कहां पे जाएगा, रॉ मटेरियल कहां पे जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, तो पहले काम कहां पे होता है, फैक्ट्री में होता है, फिर जो काम हुआ उसका सर ऑफिस में सब कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह होएगा, कुछ रिकॉर्डिंग होएगा, अकाउंटिंग एंट्री वगैरह पास किया जाएगा, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाएंगे, और फिर वो सेलिंग और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा। तो यू हैव टू फॉलो दिस सिक्वेंस, पहले फैक्ट्री फिर एडमिनिस्ट्रेशन फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके चलेगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं फ्रेंड्स, प्राइम कॉस्ट के बाद आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, इसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलेंगे या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलिएगा या फिर वर्क्स ओवरहेड बोलिएगा। तो आप मुझे वापस से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सपोज मैंने कॉस्ट शीट में लिखते वक्त बताया कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है, और क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिया, क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है, तो मान लीजिए एक ही कंसेप्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। कोई भी आपको जो दिया है क्वेश्चन में वो आप वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। सो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क ओवरहेड मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा। आई नो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से हमने टॉपिक नंबर वन में डिस्कस किया था फैक्ट्री ओवरहेड में, अगर आपको याद आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और भर भर के एग्जाम्पल हमने वहां पर प्रेजेंट किए थे, राइट फ्रेंड। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या था अगर आपको याद आ रहा है, जो फैक्ट्री में यूज होता है, ऑयल है, ग्रीस है, ओके, मेंटेनेंस के कुछ मटेरियल हो गए, क्लीनिंग करने के कुछ मटेरियल हो गए, ठीक, पेट्रोल डीजल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते वक्त यूज हो रहा है, तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट मटेरियल आएंगे। इनडायरेक्ट लेबर को आएगा जो वर्क इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे कि क्लीनर का सैलरी, ठीक है, मेंटेनेंस के स्टाफ का सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी आपका आएगा, फिर फ्रेंड्स आपके स्टोर रूम में, फैक्ट्री में स्टोर रूम रहेगा, स्टोर रूम में वेजेस सैलरी वगैरह आपने पे कर दिया, ये इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आएगा फ्रेंड्स, रेंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये सारे पॉइंट्स आपके वहां पे कवर होंगे। ओके चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकते हैं, यस वेरी गुड, चलो एक और नाम लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसमें एक और नाम हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। चलिए तो जितना मैंने पहले डिस्कस किया था लेक्चर नंबर वन में वो वापस से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर, सर जी कंज्यूमेबल का मतलब क्या है, जो कंज्यूम हो जाता है, जिसकी आइडेंटिटी नहीं रहती फाइनल प्रोडक्ट में, इट इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमेबल। सेकेंड पॉइंट था आपका फैक्ट्री का रेंट, नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है, लीज रेंटल ऑफ द एसेट, नेक्स्ट वन रिपेयर्स मेंटेनेंस
प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय का कॉस्ट, ड्रॉइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, ड्रॉइंग डिजाइनिंग का नहीं, ड्रॉइंग डिजाइनिंग की डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट, फैक्ट्री में रहेगा ना प्रोडक्ट का डिजाइनिंग वगैरह, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का इंश्योरेंस आपने किया, ओके कि लॉस बाय फायर हो गया तो आपको कुछ क्लेम मिलेगा, लॉस बाय थेफ्ट हो गया तो आपको कुछ क्लेम मिलेगा एक्सेट्रा, देन अमाउंट अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ जिग फिक्चर्स एंड टूलिंग, जिग्स का मतलब फिक्चर्स एंड टूलिंग, जिग का मतलब साचा, मोल्ड, डाई एक्सेट्रा, उसको जिक्स, जिक्स फिक्चर एंड टूलिंग का जो कॉस्ट है डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा वो आपको लेना पड़ेगा, देन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट क्या रहता है, टूल रूम सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, टूल रूम हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये सारे सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। आगे हम देखने वाले फ्रेंड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, वहां पे एक्चुअल में रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होएगा, और ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन करने में, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन प्रोडक्शन करते वक्त हेल्प होएगा सर्विस डिपार्टमेंट से, ठीक है चलेगा। मुझे आप अभी सोच के आंसर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिपार्टमेंट एक, दूसरा स्टोर्स डिपार्टमेंट, तीसरा कैंटीन, ठीक है नेक्स्ट वन बॉयलर डिपार्टमेंट, जहां से बॉयल होता है वाटर और जो भी कुछ स्टीम है वगैरह वो प्रोडक्शन को भेजा जाता है, ठीक है वहां से प्रोडक्शन होता है, ये आप मुझे बताएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या सर्विस डिपार्टमेंट है। रुकिएगा, आपका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वहां पे बेंचेस मैन्युफैक्चर होता है, बेंच मैन्युफैक्चर हो रहा है, जल्दी से बताइएगा। तो बेंच मैन्युफैक्चर करते वक्त आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक डिपार्टमेंट था, स्टोर्स डिपार्टमेंट था जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर किया जा रहा था, कैंटीन था, बॉयलर था, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट था, ये आपके मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या आपके सर्विस डिपार्टमेंट है, चलो जल्दी आंसर दे दीजिएगा, अरे जल्दी आंसर दे दीजिएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट है, यस परफेक्ट, दीज आर ऑल सर्विस डिपार्टमेंट, दीज आर ऑल इनडायरेक्टली हेल्पिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसके रिलेटेड जो भी कुछ कॉस्ट आएगा वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, अरे झेपा क्या, ये डिपार्टमेंट का जितना भी कॉस्ट आएगा, यहां पे सैलरी पे किया, यहां पे वेजेस पे किया, यहां पे मटेरियल आपने यूज किया, यहां पे कुछ आपको एक्सपेंसेस है, रेंट पे किया, ओके रिपेयर किया, मेंटेनेंस किया, डेप्रिसिएशन ये डिपार्टमेंट में, ओके व्हाट आर द एक्सपेंसेस यू आर गोइंग टू इनकर दिस डिपार्टमेंट, ऑल सच एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट एवर द कॉस्ट यू आर इनकरिंग ऑल इज ओवरहेड कॉस्ट, सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, इट विल बी डायरेक्टली कवर्ड इन टू द ओवरहेड कॉस्ट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाते जा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, तो आई होप सर्विस डिपार्टमेंट क्या है थोड़ा थोड़ा आपको यहां पे समझ में आ गया है, ओवरहेड टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। झेपा क्या रे मालिक, झेपा क्या, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा। सो फ्रेंड का जो टेस्ट लेने वाला हूं मैं, आई एम गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, देखते कि एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे खुद से आप कितना करेंगे। फ्रेंड्स बाकी लोगों जैसा स्पून फीडिंग आपको नहीं करवाऊंगा। हाँ भाई मैं लिख रहा हूं, लिख ले भाई चेप ले, ठीक है जैसा स्क्रीन पे है वैसे चेपते जा, लिखते जा। नहीं फ्रेंड्स मैं आपको वर्किंग करने लगाऊंगा, आई एम नॉट योर सुपरवाइजर, आई एम योर फैसिलिटेटर, आपको नॉलेज डेवलप होने में, कंसेप्ट डेवलप होने में मैं हेल्प करूंगा, लेकिन मैं आपको रट्टा नहीं मरवाऊंगा बाकी लोगों जैसा कि हाँ भाई ये फॉर्मेट है ये रट्टा मारो, एग्जाम में लिख के आ तो एक आधा भी कोई पॉइंट आगे पीछे हो जाता है, नया कोई पॉइंट आ जाता है तो बट जो रट्टे वाला पोपट रहता है उसको कुछ लिखते ही नहीं आता है। लेकिन हाँ अगर हम लोग समझ रहे कि कंसेप्ट कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स कहां कहां पे लगेगा एक्सेट्रा तो आराम से आप वर्किंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं वापस से कॉस्ट शीट पे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस से आ गया आपका प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो, वर्क्स ओवरहेड बोलो, वो हम लोगों ने ऐड किया। ये बनेगा आपका, लिखना नहीं है बाद में आपको लिखना है, ये आएगा आपका ग्रॉस
फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड व्हाट इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस है क्या भाई? क्या आपको समझ में आता है, क्या आपको लगता है, व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस, जल्दी से बताइएगा। आई वांट टू टेस्ट योर नॉलेज, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क इन प्रोग्रेस और ये जनरली कैसे यानी क्यों होता है? अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन, दीपिका जी आपने बराबर बोला, अंडर कंस्ट्रक्शन। सो कैन वी यूज अ बेटर वर्ड रादर देन अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर प्रोडक्शन लिख सकते हैं? ओके, हाफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, हर्षा जी हाफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। कैन वी यूज हियर वर्ड पार्शियली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, समटाइम 25% हो गया, समटाइम 75% हो गया, समटाइम 50% हो गया। ओके, अनफिनिश रादर, वेरी गुड राहुल जी। गुड्स अंडर प्रोडक्शन, राघव जी बराबर है। सुनीता जी, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ पर खत्म नहीं हुआ, वेरी गुड। द गुड्स आर बींग प्रोड्यूस बट नॉट येट प्रोड्यूस, ओके, मैनी प्रोडक्शन को दे दिया है लेकिन वो स्टार्ट नहीं है। वर्क इज गोइंग ऑन फैक्ट्री, खत्म नहीं हुआ है, ओके। अंडर मैन्युफैक्चर है, पार्टली कंप्लीटेड है। गुड्स डज नॉट फिनिश येट, ओके, डज नॉट कंप्लीटेड येट, नॉट कंप्लीटेड। फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? गुड्स अंडर प्रोडक्शन, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? अरे कंसेप्चुअली बताइएगा, जो आपने पहले रट्टा मारा था वो भूल जाइएगा और बताइए ऐसा क्यों होता है, यानी वर्किंग प्रोग्रेस क्यों लिखते हैं? सेमी फिनिश, चलो ये समझ गए कि सेमी फिनिश्ड है, पार्शियली प्रोड्यूस है, अनफिनिश्ड है, वॉट एवर, जो आप आंसर दे रहे हो ये बराबर है, लेकिन ठीक है कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस? ओके, सम गुड्स आर ऑलवेज इन अ प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री, लेकिन मुझे कंसेप्ट चाहिए। ओके, के एच होम ट्यूशन इंडिया, अच्छा ओके, इन्होंने एक आंसर बराबर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, 31 मार्च को आपका ईयर कंप्लीट होने वाला है, 31 मार्च को आपका ईयर कंप्लीट होने वाला है और आप जो गुड्स प्रोडक्शन में डालते हो ना वो 5 दिन कंप्लीट करने में लगता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हार्डली एक या दो तीन स्टूडेंट है, आउट ऑफ इतने सारे स्टूडेंट है दो तीन स्टूडेंट मुझे वो एग्जैक्टली कंसेप्ट बता पा रहे। तो फ्रेंड्स कंसेप्चुअली आपने यानी पहले कंसेप्चुअली नहीं सीखा था अकाउंट्स के वक्त, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, 31 मार्च को, 31 मार्च को आपका ईयर एंड होने वाला है और आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो सपोज उसको कम से कम 5 दिन लगने वाले कंप्लीट होने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स 30 मार्च को आपने कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट किया, 30 मार्च को, तो 30, 31, 1, 2, 3 3 अप्रैल को वो कंप्लीट होएगा, लेकिन आपको जो कॉस्ट शीट बनाना है या फिर आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाना है या बैलेंस शीट में करंट एसेट में ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो दिखाना पड़ेगा, जो 31 मार्च को दिखाना पड़ेगा। मतलब आपने 30 मार्च को काम स्टार्ट किया, 31 मार्च ये आपका बुक्स में क्लोजिंग है, ठीक है, आपके जो रिकॉर्ड्स है वगैरह वो 31 को क्लोज होगा और उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। तो 30 से लेके 31 तक जो काम हुआ है 31 के एंड तक, ये बोलेंगे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस WIP, और जैसे ही अगले साल वो 3 अप्रैल को वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गया, जो लास्ट डे था वो लास्ट डे पे आपके कुछ गुड्स कंप्लीट नहीं हुए, वो गुड्स वो काम को हम लोग बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब आपको ये सोचना है फ्रेंड्स, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसके लिए क्या क्या कॉस्ट लगा रहेगा, आप सोच के बताइएगा। वर्किंग प्रोसेस WIP के लिए क्या मटेरियल लगा रहेगा, लेबर एक्सेट्रा, तो ये सोच के बताइएगा और आंसर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्या क्या कॉस्ट लगा रहेगा, चलो अब ये आंसर दीजिएगा। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आई एम गोइंग टू कंसिडर ओनली 5 आंसर, पहले 5 आंसर जो जल्दी से देगा वही मैं कंसिडर करेगा।
वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे प्राइम कॉस्ट इंक्लूड रहेगा, मटेरियल लेबर इंक्लूड रहेगा, रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी, मुझे स्पेसिफिक चाहिए मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट, ठीक है ओके चलो हो गए, मैं पहले पांच आंसर डिस्कस कर लिया, टेन से देखिएगा अभी फ्रेंड्स, ये जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है इसके बाद में आगे ऐड करेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मैं लेस करेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ये पता है ओपनिंग स्टॉक ऐड किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक लेस किया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरा ये कहना है कि ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसको लेते वक्त मैं कौन सी कॉस्ट कंसिडर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इसके ऊपर जो जो कॉस्ट आपको लगा है, इसके ऊपर जो जो कॉस्ट आपको लगा है, वर्किंग प्रोग्रेस के ऊपर जो जो आपको कॉस्ट लगा है, वो सारे कॉस्ट आपके वर्किंग प्रोग्रेस में कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर क्या क्या लगा है? मटेरियल, हां सर। लेबर, हां सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हां सर। फैक्ट्री ओवरहेड, हां सर। ठीक है ना? तो वर्किंग प्रोग्रेस में क्या है फ्रेंड, उसके ऊपर जितने भी खर्चे लिए हैं थोड़े थोड़े आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। मे बी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए आप 100% खर्चा नहीं ले रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल, आपने ये वर्किंग प्रोग्रेस मशीन में तो डाला रहेगा, तो मशीन के लिए पावर वगैरह तो लगा ही रहेगा थोड़ा बहुत, मशीन डिप्रिसिएट हुआ ही रहेगा इसकी वजह से थोड़ा बहुत, ठीक है। मैनेजर ने सुपरवाइज किया ही रहेगा इसको, वर्क इन प्रोग्रेस को भी। तो इसके ऊपर जो जो आपको खर्चे लगते हैं, दैट ऑल खर्चे यू विल हैव टू कंसिडर प्रोपोर्शनेटली, थोड़ा थोड़ा आपको वर्क इन प्रोग्रेस में कंसिडर करना है। ये आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट। जी हां सर जी, ये आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, इसको हम लोग और बोल सकते हैं वर्क्स कॉस्ट। जी हां, ये आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट और इसको हम लोग बोलेंगे नेट वर्क्स कॉस्ट। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहले चार लाइन में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होएगा आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री के रिलेटेड ओवरहेड्स, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड इन टू द फैक्ट्री, दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर। ये आएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आएगा। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये आएगा मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट और नेट वर्क्स कॉस्ट। सो ये था आपका यहां तक का एक्सप्लेनेशन। अब आगे फ्रेंड्स, इसमें ऐड करूंगा, चलो मुझे ये बताओ अब कौन से खर्चे बाकी है, चलो जल्दी से बताइएगा, आपसे बात कर रहा हूं, फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिएगा। अब कौन से ओवरहेड्स बाकी है, अब कौन से ओवरहेड बाकी है, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। सिर्फ ऑफिस बाकी है, एडमिनिस्ट्रेशन बाकी है, या एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है? हाँ, वेरी गुड, ये आंसर दिया हर्षा जी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अभी लेना बाकी है, बराबर है। देखिएगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट सब हो गए, फैक्ट्री के ओवरहेड हो गए, अब बचा क्या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, इनडायरेक्ट में क्या बचा है आपका ओवरहेड्स में, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था सीक्वेंस फॉलो कर दर्शन, सीक्वेंस दर्शन, सीक्वेंस फॉलो कर तू दर्शन। दर्शन सबसे पहले आएगा तेरा फैक्ट्री ओवरहेड, दर्शन उसके बाद तेरा आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, दर्शन उसके बाद तेरा आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पहले आएगा ऑफिस, दूसरा आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा आएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट फ्रेंड्स? अगेन चलिएगा। सो इसके बाद मैं ऐड करूंगा
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिन या फिर ऑफिस ओवरहेड। अब आपका कंसंट्रेशन लेना चाहता हूं, अब आपका कंसंट्रेशन लेना चाहता हूं, पूरे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब तक न्यू सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उसमें इसमें एडजस्टमेंट है फ्रेंड्स। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है फ्रेंड्स, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, आपको इसकी दो कैटेगरी एग्जाम में दे देते हैं, एग्जाम ही दे देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूंखार पॉइंट है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की दो कैटेगरी क्वेश्चन में दिया जाता है, एक प्रोडक्शन रिलेटेड और दूसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सेल वगैरह को आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये आपको जज नहीं करना है। और अगर बाय चांस अगर कभी, अभी तक तो ऐसे हुआ नहीं है, बाय चांस अगर एग्जाम में आ जाता है, तो आपको एजम्पशन लेना है कि ये प्रोडक्शन है या फिर आपका जनरल ओवरहेड्स है। प्रोडक्शन के रिलेटेड का मतलब क्या है? सुपरविजन जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है? वहां का काम का थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड आप कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वो अलग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? फ्रेंड्स, आपका जो कॉस्टशीट है, वो चेंज हुआ है, कॉस्टशीट का फॉर्मेट चेंज हुआ है। ध्यान से सुनेगा क्या बोल रहा हूं, कॉस्टशीट का फॉर्मेट चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? मैं आपको बता दे रहा हूं। अब तक हमने क्या सीखा? प्राइम कॉस्ट सीखा सर, ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड सीखा सर, ये आ गया मेरा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। हां सर, समझा यहां तक? ये आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट, ठीक है? अब फ्रेंड्स, आपका जो कॉस्टशीट है इसमें चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस से ही ये चेंज उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। सो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, क्वालिटी कंट्रोल नया आया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नया आया है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज नया आया है, प्राइमरी पैकिंग ये नया आया है। इसके पहले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंसिडर किया जाता था, और आप चेक कीजिएगा, मैंने यहां पे स्पेसिफिक लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, 90% चांस है आपको ये एडजस्टमेंट एग्जाम में रहेगा, 90% चांस है, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ये एडजस्टमेंट आया है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोगों को क्या ऐड करना है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। मुझे कुछ एग्जाम्पल दीजिए आप क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, कुछ लोग बोल रहे सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस क्या है। अरे भाई, आप शायद फर्स्ट लेक्चर है आपका, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऑफिस नाम दो एडमिनिस्ट्रेशन नाम दो, सेम है वो। चलो चलो, अरे भाई यहां पे ध्यान दीजिएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आपको क्या लगता है, क्या आएगा? अच्छा, टेस्टिंग करने का, बराबर है? आपने रॉ मटेरियल का वगैरह टेस्टिंग किया, प्रोडक्शन करते वक्त आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है? ओके, आपका लैब वगैरह जहां पे ये टेस्टिंग है, तो ये आएगा आपका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेकिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड, आपको ना कंसेप्ट समझा तो आप आंसर दे रहे हैं, ये तो मैंने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन अब आप खुद से कर पा रहे। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? क्वालिटी चेक करने का कॉस्ट आएगा, ठीक है? आज कुछ सैंपल चेक कर रहे हो आप, टेस्टिंग कर रहे हो, लेबोरेटरी में भेज दिया आपने टेस्टिंग करने के लिए एक्सेट्रा। जनरली ये फूड आइटम रहता है ना, वो फूड आइटम को टेस्टिंग करना पड़ता है। ओके, यस, इंस्पेक्शन, वेरी गुड। कुछ लोग बोल रहे हैं इंस्पेक्शन, बराबर है? बराबर से प्रोडक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो ये सारे कॉस्ट आएंगे आपके क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में, ठीक है? तो ये आया आपका क्वालिटी कंट्रोल। फ्रेंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया था,
ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये एक नया पॉइंट मैंने लिखा था लेक्चर नंबर यानी पहले टॉपिक के वक्त, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी यहां पे ऐड होएगा। तीसरा आपको ऐड करना यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। जी हां मालिक, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड प्रोडक्शन, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे विल गिव कि ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, ये जनरल है, या फिर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स आपको रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ही यहां पे कंसीडर करना है, रिलेटेड विद द प्रोडक्शन यहां पे कंसीडर करना है। चलेगा नेक्स्ट वन, क्रेडिट फॉर रिकवरीज मिसलेनियस इनकम। ठीक है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, प्रोडक्शन करते वक्त अगर कुछ स्क्रैप होता है, प्रोडक्शन करते वक्त अगर कुछ वेस्टेज होता है, ये अगर आप बेचने जाते हो तो कुछ पैसा मिलेगा, वो पैसा आपको यहां से लेस करना है। आज एक पॉइंट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऊपर वो जो मटेरियल था, मटेरियल से जो पैसा आता है वो हमने वो मटेरियल कंज्यूम में से लेस किया था, और यहां पे क्रेडिट फॉर रिकवरीज मिसलेनियस इनकम, प्रोडक्शन करते वक्त अगर कुछ स्क्रैप होता है, वेस्टेज होता है और कुछ पैसा मिलता है, वो हम लोग लेस करेंगे। डिफरेंस बताओ, चलो डिफरेंस बताओ, चलो वो मटेरियल का वेस्टेज हमने ऊपर लेस किया था और इधर भी कुछ वेस्टेज का कुछ रिकवरी आ रहा है, वो हम लोग यहां पे लेस कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? इंस्टीट्यूट इधर ही खेलेगा आपके साथ, वो बोलते हैं कोनो फिरकी ले रहा है, इंस्टीट्यूट इधर ही आपका फिरकी लेगा। चलो बताइए ना सर, वहां पे भी हमने कुछ मटेरियल बेचा था, मटेरियल का रिकवरी हुआ था और यहां पे भी रिकवरी हो रहा है, तो कंसेप्ट क्लियर रखो। एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है तो समझेगा नहीं, ऊपर लिखना है, ऊपर से लेस करना है या नीचे से लेस करना है, तो कंसेप्ट पहले समझ लीजिएगा आप। वेरी गुड दीपिका जी, ताहा वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त कंसेप्ट गया दिमाग में फ्रेंड। वो मटेरियल कंज्यूम था ना, मटेरियल कंज्यूम था, वहां पे मैंने वर्ड यूज किया स्टोर रूम में मटेरियल खराब हो गया और वहां से ही आपने बेच दिया, यानी प्रोडक्शन को इश्यू नहीं किया था, उस पर कोई काम करना स्टार्ट नहीं किया था, उस पर आपने कोई काम करना स्टार्ट नहीं किया था, पहले वो ऑब्सोलीट हो गया, उसका एक्सपायरी डेट आ गया, आपने वो बेच दिया, तो उसका जो पैसा मिलेगा वो मटेरियल का जो कंजम्पशन है उसमें कंसिडर किया जाएगा। बराबर है क्या? और फ्रेंड यहां पे फिर क्या है, यहां पे रिकवरी मिसलेनियस इनकम यानी क्या है, आपने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को दिया और वहां से आपने प्रोडक्शन कुछ किया लेकिन प्रोडक्शन डिफेक्टिव हो गया, वेस्टेज है या फिर वो स्क्रैप हो गया, तो यानी इसका मतलब यहां पे जो है उसको कुछ मटेरियल भी लगा रहेगा, कुछ लेबर भी लगा रहेगा और कुछ ओवरहेड्स भी लगा रहेगा। ठीक है, तो ये स्क्रैप और वो स्क्रैप अलग है मालिक। ठीक है, ये प्रोडक्शन में डैमेज है, प्रोडक्शन में वेस्टेज है और वो रॉ मटेरियल का कुछ ये था, यानी रॉ मटेरियल का ऑब्सोलेंसेस एक्सेट्रा था। तो एग्जाम में घाई नहीं करने का बॉस, एकदम आराम से पढ़ने का। अगर सिर्फ बोला रॉ मटेरियल वेस्टेज या फिर रॉ मटेरियल का कुछ है, वहां से रिकवरी हुआ है, तो मटेरियल कंज्यूम में एडजस्टमेंट करना। ओके, और प्रोडक्शन का स्क्रैप वगैरह आपको बोला गया है, ठीक है, सिर्फ स्क्रैप वर्ड यूज किया है, ठीक है, प्रोडक्ट का स्क्रैप वर्ड यूज किया है, तो आप वो यहां पे एडजस्ट करना। नाउ गाइस, सो ये इंस्टीट्यूट फिरकी लेता है आपकी, यहां पे आपको ध्यान रखना है। चलेगा, इसके बाद लास्ट आइटम है फ्रेंड्स, बस खत्म होते आगे, आगे कुछ चार या पांच ही पॉइंट बाकी है। आगे जो है फ्रेंड, ये है आपका पैकिंग कॉस्ट। वर्ड यहां पर यूज किया प्राइमरी पैकिंग, यहां पे वर्ड यूज किया है प्राइमरी पैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग। एग्जैक्टली प्रोडक्ट के ऊपर जो पैकिंग होता है, एग्जैक्टली प्रोडक्ट के ऊपर, वो खराब ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली उसके ऊपर जो पैकिंग होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पैकिंग। देखिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ टेम्पररी या फिर आप कुछ पैक करवा के देते हो, उसको बोलेंगे आप प्राइमरी पैकिंग। उसका भी एक्सप्लेनेशन आगे लिया हुआ है, डोंट वरी एट ऑल।
और ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब एडजस्टमेंट, ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स नया पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नया पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी था, क्रेडिट फॉर रिकवरीज नया पॉइंट ऐड हुआ है कॉस्ट शीट में, पैकिंग कॉस्ट। ओके दीपिका जी, इन्होंने एक आंसर दिया है, प्राइमरी पैकिंग का एग्जांपल दिया है, ठीक है ना फ्रेंड। चलो मैं आपको बता देता हूं, पार्ले जी खाया है ना आपने, पार्ले जी, ये सेकेंडरी पैकिंग आगे जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, वो बाद में देखते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आने के बाद। पहले आप यहां पर देखिएगा, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, प्राइमरी पैकिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिस्किट, प्राइमरी पैकिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिस्किट। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर फ्रेंड्स, आपने अगर पार्ले जी का सुपर सेवर पैक परचेस किया रहेगा, नाम देते हैं सुपर सेवर वो, और वहां पे लिखते हैं 1 रुपए का आपका सेविंग होता है, नाम तो बहुत खूंखार लिखते हैं सुपर सेवर पैक, और डिस्काउंट कितने का दिया, 1 रुपए का दिया, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि उसमें सपोज ऐसे 3 बिस्किट के बॉक्स दिए जाते हैं, ठीक है, वॉट एवर, ये 3 सपोज उसमें बिस्किट का वो पैक दिया जाता है, और ये फ्रेंड्स ऊपर ऐसे बैग जैसा रहता है वो आप कैरी कर सकते हो, तो ये पहले प्लास्टिक का कवर आप अगर निकालेंगे तो उसके अंदर बिस्किट एक व्हाइट रैप में रहता है, आ रहा है फ्रेंड्स, आपने देखा ऐसे व्हाइट रैपिंग रहता है, या फिर फ्रेंड्स आप क्रीम का बिस्किट अगर खाते हो तो ऐसे प्लास्टिक का रैपिंग रहता है, देखो ऐसे प्लास्टिक का रैपिंग रहता है और इसमें बिस्किट रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है इसको बोलेंगे प्राइमरी पैकिंग, ये जो है ये जो व्हाइट कलर का रहता है पहले उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी पैकिंग। आई होप ये प्राइमरी पैकिंग दिमाग में फिट हो गया। चलेगा फ्रेंड, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल स्टूडेंट ही दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। आपको टूथपेस्ट परचेस किया, टूथपेस्ट में सबसे पहले एक बॉक्स रहेगा बराबर है, बॉक्स रहेगा, बॉक्स के अंदर क्या रहता है फ्रेंड, बॉक्स के अंदर ये पेस्ट रहेगा, तो फ्रेंड्स ये पेस्ट के ऊपर जो पैक किया हुआ है, ठीक है, ये प्राइमरी पैकिंग है। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है आपको। तो प्राइमरी पैकिंग का खर्चा भी आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या क्या हमने कंसीडर किया यहां पे, चलिएगा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पे वापिस आ रहा हूं भाई, तू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड थोड़ा रुक जा भाई, इंस्टीट्यूट ने चेंज किया है तुझे, रुक भाई तू थोड़ा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपको क्या ऐड करना है, चलो जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर देते रहिएगा। यस, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को टच में वो प्राइमरी पैकिंग है, बराबर है। चलो जल्दी से, अब पहला आइटम क्या दिया था, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट मालिक, दूसरा आइटम क्या दिया था फटाफट से बताइएगा, एक था आपका क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट था, दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट था, तीसरा सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, नहीं सर सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आएगा, ध्यान से सुनिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आएगा। चलिए क्वालिटी कंट्रोल हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन हो गया, और हमें इसमें से लेस करना है क्रेडिट फॉर रिकवरीज, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, और इसके बाद हमें ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग। जनरली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब वो काम लेके जाते हैं, वो गुड्स लेके जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पैक करना चाहिए उसने, उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। प्राइमरी पैकिंग हमने ऐड किया। चलो आपसे एक क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आप इसका आंसर दीजिएगा। क्वालिटी कंट्रोल हो गया, रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन हो गया, क्रेडिट फॉर रिकवरी लेस कर दिया, इसके बाद हमने पैकिंग कॉस्ट ऐड किया, ठीक है। चलिएगा, मेरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सर इन्होंने ना, इन लोगों ने ना, ये क्या है, सारे एड के साथ में लेने चाहिए और बाद में लेस करना चाहिए था, इन्होंने ऐसा क्यों किया
कि पहले क्रेडिट फॉर रिकवरीज लेस किया और उसके बाद प्राइमरी पैकिंग ऐड किया। ऐसे क्यों नहीं किया कि प्राइमरी पैकिंग पहले कर लिया फिर क्रेडिट फॉर रिकवरीज बाद में कर लिया? सोचने वाली बात है ना ये, क्योंकि एड 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 लेस एड, तो ऐसा क्यों नहीं किया एड 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 देन लेस? चलिए बोल दीजिएगा आप। अरे लॉजिक है, लॉजिक से सीखेंगे हम लोग। ओके वेरी गुड। देखो एक मैं कितने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, छोटे माइन्यूट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। सीक्वेंस है लेकिन कुछ लॉजिकल है ना। कुछ लोग बोले हाँ स्टेप वाइज है इसकी वजह से, लेकिन कुछ तो लॉजिक रहेगा कि पहले आपने क्रेडिट फॉर रिकवरी लेस किया उसके बाद पैकिंग कॉस्ट ऐड किया। मुझे एक आंसर आ गया। अरे फ्रेंड्स अगर वो स्क्रैप में ही बेचना है, भंगार वाले को ही बेचना है, ठीक है रद्दी वाले को ही वो बेचना है, तो भाई अच्छे से पैकिंग करेंगे क्या उसको? कुछ पैक करने की जरूरत नहीं भाई, जैसा है वैसे लेके जा तू। हम हमारा खर्चा क्यों एक्स्ट्रा करें पैक करेंगे, वैसे भी वो स्क्रैप हो गया है। हाँ जब कस्टमर को देना रहता है तब अच्छे से पैकिंग करना जरूरी है, अगले डिपार्टमेंट को जब पास ऑन करे तो थोड़ा बहुत पैक करके देना जरूरी है। अरे लेकिन ये स्क्रैप है मालिक, ये वेस्टेज है मालिक, ये पैक करके करेंगे क्या? खर्चा एक्स्ट्रा क्यों करे? तो इसके वजह से क्या किया है, पहले क्रेडिट फॉर रिकवरी लेस किया है जो है, उसके बाद हमने पैकिंग कॉस्ट ऐड किया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलेगा ओके, तो पैक करने की जरूरत नहीं रहती इसलिए उन्होंने वो बाद में डाला है। ओके फ्रेंड आ जाता हूं अपने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में। मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स ऐड कर दिया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस किया, एड लेस कर दिया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, रिकवरी लेस किया, प्राइमरी पैकिंग एड किया, ये आ गया मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट। जी हाँ ये आ गया मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट। आई डोंट थिंक सो यहां तक आपको कोई दिक्कत रहेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट तक हमने कंप्लीट कर दिया, बस खत्म हो गया फ्रेंड्स। आगे कुछ लाइन बाकी है, तीन चार लाइन में खत्म हो गया, कॉस्ट शीट ही खत्म हो गया। ठीक है प्रोडक्शन कॉस्ट के आगे एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आएगा मेरा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी हां ये आएगा मेरा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप बता दीजिएगा, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जनरली ये है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स आप बेच रहे हो उसको प्रोडक्शन करने के लिए कितना खर्च आया है। लेकिन ये प्रोडक्शन वर्ड साइलेंट है, ये यूज नहीं किया जाता है यहां पे, सिर्फ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोला ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मीनिंग क्या अभी तो बताया, इट्स अ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने बेचा है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बेचा नहीं ना आपने, आपने क्लोजिंग स्टॉक बेचा नहीं है तो जो आपने बेचा है उसकी ये कॉस्ट है। ओके चलो अब लास्ट लाइन, लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, अब कौन से एक्सपेंसेस लेने बाकी है फटाफट बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा। अब कौन से जल्दी से आंसर दीजिएगा मालिक, अरे क्या कर रहे हो आज, आज आप फटाफट रिप्लाई नहीं कर रहे हो और प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है फिर भी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी फटाफट से रिप्लाई कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
फटाफट से दीजिएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रजनी जी, इन्होंने मुझे स्पेसिफिक आंसर दिया है और वो भी थोड़ा सा, उसमें भी उन्होंने एक पॉइंट नहीं लिखा है। दीपिका जी, इन्होंने मुझे स्पेसिफिक आंसर लिखा है लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भूल गए लिखना। यस, दुर्गा जी ने बोला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, बचा क्या है मेरा अभी, एड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कौन सा कॉस्ट रह गया यहां तक, तो कौन सा कॉस्ट रह गया था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रह गया था एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रह गया था। ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब टोटल, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, जो गुड्स आपने बेचा है उसके लिए जो जो कॉस्ट लगा, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब तक जितना भी कॉस्ट लिया है वो सारी कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी ये टोटल कॉस्ट है। सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द कॉस्ट शीट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में एड कर दिया मैंने प्रॉफिट और यह आ गया मेरा सेल्स, ये आ गया मेरा सेल्स, ये आ गया मेरा सेल्स। अब बोल रहे हो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक डाउट पूछा है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये प्रोडक्शन के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है सब, वो लीगल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के साथ कुछ लाइजनिंग चल रहा है, लीगल डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा है, जनरल वो ध्यान दे रहा है। ओके, चलेगा। एडवर्टाइजमेंट कहां पे जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। चलिए, सो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपने ऐड कर दिया, आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कुछ स्टूडेंट मुझे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप नहीं पूछ रहे हो लेकिन बहुत स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर जी ये COGS एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ये हमें थोड़ा सा बताइए ना सर, COGS एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं, COGS क्या है, इट्स अ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इट्स अ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, इट्स अ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, इट्स अ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो आपने बेचा है उसकी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन, चैंप लोग ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन है आपसे, और वो क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट किया, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा ऐड किया, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल इग्नोर करो, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट किया और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड किया, पहले ही ऐड क्यों नहीं किया। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पूछा था, आपने इसका आंसर दिया था, फिलहाल वापिस एक बार बता दीजिएगा, ठीक है, कि क्यों पहले ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट किया और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एडजस्टमेंट, ऐसा क्यों, क्योंकि यस आंसर दे रहे हैं, आंसर बराबर आ रहा है, जो बेचा ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बेचा ही नहीं है, तो इस पे हमें सेल्स कमीशन, मार्केटिंग का एक्सपेंसेस लगेगा नहीं। हाँ, जब आप बेचेंगे अगले साल या उसके अगले साल, वॉट एवर, जब आप बेचेंगे तब वो आपको एक्सपेंसेस लगेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का, लेकिन अगर मैं, आप सोचिए ना, अगर आपको डायरेक्टली ये बोलता था, फर्स्ट लेक्चर ही कॉस्ट शीट से शुरुआत किया करता था बाकी लोगों जैसा, कि एक प्रैक्टिकल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, सर आपको ये झेपा ही नहीं रहता था, तब सिर्फ रट्टा करने का काम हुआ रहता था कि अच्छा ये है, ये आप रट्टा मारिएगा, क्योंकि अब हमें इतना तो थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, अब हमें थोड़ा इजी हो रहा है। बरोबर,
तो आप बराबर आंसर दे रहे हो कि प्रोडक्शन करते वक्त सेल जब करेंगे तभी ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगेगा, इसलिए हम लोगों ने वो बाद में कंसीडर किया है। ठीक है ना बॉस? चलिए, यस फ्यूचर सीए होने ही वाले हो फ्रेंड्स। देखो ना 25% मार्क्स मिल जाएगा और मैं चैलेंज देता हूं आप आराम से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माय दिस डिस्कशन। आप फटाक से आप नोटबुक निकालिएगा और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब ये प्रैक्टिकल नोटबुक स्टार्ट हो गया है, यहां से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिकल नोटबुक निकालिएगा। आई नो कि मैंने फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट मैंने आगे दिया हुआ है, फिर भी आपको ये लिखना है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। चलिएगा, चलिए फटाफट से, वी नीड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। फटाफट से कॉस्ट शीट हमें प्रिपेयर करना है। हेडिंग दीजिएगा कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए जिन्होंने नहीं लिखा है ये फटाफट से मेरे साथ लिखते चलिएगा, फटाफट आपको लिखना है सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। टाइम कम है हमारे पास, जल्दी से लिखिएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, एड डायरेक्ट वेजेस। चलो जल्दी जल्दी लिखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, एड डायरेक्ट वेजेस और एम्प्लॉई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिलहाल आप थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा जो मेन हेड थे वो थोड़ा आपको हाईलाइट कीजिएगा, जब तक आपको वो 100% समझ में नहीं आ जाता है तब तक वो थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। फास्ट लिखिए, यह है आपका प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। चलिए रेड पेन से आगे लिख रहा हूं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, WIP नॉट फिनिश गुड, WIP ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस किया, ये आया मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट, नेट वर्क्स कॉस्ट। जी हां सर, इसके बाद मैं ऐड करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, या फिर एक काम करते हैं वो अपन सीक्वेंस ही फॉलो करते हैं। आप ही बताइएगा ना इसके आगे क्या आया था सर जी, याद नहीं आ रहा है मुझे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आएगा, चलो जल्दी बताइएगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या क्या आया था? देख के मत बताइएगा, नोट्स में से आप आंसर दीजिएगा। यस, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, जी हाँ, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, तोड़ मालिक। आगे आएगा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, R&D, तोड़ मालिक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद कौन सा कॉस्ट आप कंसीडर करेंगे? अब आप कंसीडर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। यस सर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऐड किया, माइनस लेस करना है क्रेडिट फॉर रिकवरीज, क्रेडिट फॉर रिकवरीज। तो उसमें क्या क्या है चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉस्ट शीट में मैंने दिया हुआ है। क्रेडिट फॉर रिकवरीज में क्या क्या है? बाय प्रोडक्ट का सेल हुआ, क्या है बाय प्रोडक्ट? जैसे शुगर फैक्ट्री में शुगर मेन प्रोडक्ट है, मोलासिस बाय प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट बेचा आपने, स्क्रैप कुछ बेचा, कुछ मिसलेनियस इनकम आया है, तो ये आपको क्रेडिट फॉर रिकवरीज में कंसिडर करना है। ठीक है, इसके बाद एड प्राइमरी पैकिंग, इसके बाद मैंने ऐड किया है प्राइमरी पैकिंग। इसको क्या नाम दूं? फटाफट से आंसर दीजिएगा, इसको क्या नाम दूं? प्राइमरी पैकिंग के बाद इसको नाम क्या देना है, फटाफट से बताइएगा। इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, आंसर दीजिएगा। क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट फॉर रिकवरीज एंड प्राइमरी पैकिंग ऐड किया, तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सीओपी नहीं चलेगा? सीओपी, सीओपी का बहुत सारे मीनिंग है, कॉप, पुलिस। सीओपी का एक और है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जब आप सीए बनेंगे तब आप ये सीओपी लेंगे, ये नहीं चलेगा। शॉर्ट फॉर्म जो चलेगा वो मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये चलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो बचे कुचे कॉस्ट है वो आपको ऐड करना है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। क्या रे दर्शन, क्या कर रहा है रे दर्शन? हाँ क्या है, स्टूडेंट लोग बराबर आंसर दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लिखते रहिएगा फटाफट से। ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मालिक इसके बाद क्या आएगा? चलो जल्दी, इसके बाद क्या आएगा आंसर दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर दिया, इसके बाद आने वाला आपका क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जिसको हम लोग बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सही पकड़े, COGS सही पकड़े। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या ऐड करूंगा? अभी जितने भी बचे कुछ एक्सपेंसेस है वो मुझे ऐड करना है, दैट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऐड किया मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर दिया। चलो फटाफट क्या आएगा अभी COGS में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में? ये दोनों एक्सपेंसेस मैंने ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? वो हेड क्या था? COS, वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ सेल्स।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड कर दिया, ये आया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी ये फाइनली जो बेचा उसकी कॉस्ट। अब इसमें मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट, अब ऐड करूंगा मैं इसमें प्रॉफिट और फाइनली मेरा आंसर बनेगा सेल्स। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कभी कभी लॉस भी हो सकता है सपोज, तो प्रॉफिट ऐड किया, लॉस लेस करेंगे और ये आएगा मेरा टोटल सेल्स। तो इतना सिंपल फॉर्मेट है आपके कॉस्ट शीट का। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से हम लोगों ने वो बराबर से देखा, डायरेक्ट पहले गया प्राइम कॉस्ट में, फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हुआ, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऐड हुआ, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हुआ, बस बीच में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की। चलेगा, लॉस कैसे होगा, लॉस कैसे होगा? आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स था 10,000 रुपए, सब सारे कॉस्ट मिला के कॉस्ट ऑफ सेल्स था आपका 10,000। आपने सोचा इसमें सपोज 2,000 का प्रॉफिट ऐड करते हैं, ये आ गया आपका 12,000 रुपए का सेलिंग प्राइस। 12,000 में कोई लेने को रेडी नहीं है, ठीक है, आपका गुड्स 12,000 में कोई लेने के लिए रेडी नहीं है। सामने वाला कस्टमर बोलता है भाई तू 9,000 में देगा तो मैं लेगा। अब सपोज ये पेरिशेबल है, पेरिशेबल का मतलब ये इमीडिएटली खराब हो जाएगा, केक पेस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो आपने सोचा पूरा 10,000 का कॉस्ट का लॉस होने से अच्छा हम लोग ये 9,000 में बेच देते हैं। तो आपकी कॉस्ट 10,000 थी, आपने बेचा 9,000, तो क्या हो गया आपका 1,000 रुपये आपका लॉस हो गया। ठीक है, जब आपकी कॉस्ट ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तब लॉस होएगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे होएगा फ्रेंड, कभी कभी कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉम्पिटिटर का प्राइस आपको लेना पड़ता है। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर का प्राइस बाकी सब लोग अगर 9,000 में बेच रहे हो तो भले ही आपकी कॉस्ट अभी 10,000 है, यू विल हैव टू सेल एट 9,000, क्योंकि 10,000 या 9,000 के ऊपर कोई परचेस ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अरे अरे कॉस्ट तो ज्यादा हो गया। फिर फ्रेंड्स आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, चलो जल्दी बताइएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आपको याद आ रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट, डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद आया था आपका कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। जैसे आपको पता चल गया भाई लॉस हो रहा है, कॉस्ट कंट्रोल करो, कॉस्ट रिडक्शन करो, सेलिंग प्राइस बढ़ा दो एक्सेट्रा, ये कुछ आप मेथड्स वर्कआउट कर सकते हैं। शाबाश, है ना, लॉजिक लग रहा है ना फ्रेंड्स, बेसिक बेसिक जो जो डिस्कस कर रहे हैं वो सब यूज होने वाला है। तो मैंने 5 लेक्चर इन्वेस्ट किए ये बेसिक पे, सो दैट आपको आगे दिक्कत ना हो। यस, लास्ट वन इज असिस्ट टू द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, अरे यहां पे तो लॉस हो रहा है, पूरा मार्केट में ये बेचा जा रहा है 9,000 में और अपनी कॉस्ट ही इसकी 10,000 है, तो क्या करे, कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू करे। तो असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। शाबाश, किन्होंने आंसर दिया, ये दीपिका जी इन्होंने आंसर दिया। हाँ, एडलेस का साइन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एड लिखो, ले करो या फिर साइन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इश्यू नहीं है फ्रेंड्स। चलेगा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। 99% क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ती है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी। प्रोडक्शन की क्वांटिटी में आपको कुछ डेटा दे रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। प्लीज आप आगे देख के आंसर मत दीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका सेल्स क्वांटिटी। चलो मुझे जुगाड़ करके बता दीजिएगा प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी आएगी, जल्दी से जुगाड़ करो। अरे आंसर दीजिएगा, मुझे खत्म करना रहेगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या स्टेटस है लॉ के लेक्चर का, लेकिन मेरा टाइम खत्म होते आ रहा है, आप जल्दी से आंसर दो, मुझे साइन आउट करना है, फटाफट आंसर दीजिएगा।
हाउ टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन क्वांटिटी, फास्ट आंसर दीजिएगा, प्रोडक्शन क्वांटिटी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अरे कुछ लोग बोल रहे हैं अमाउंट तो बताओ, अरे मुझे फॉर्मूला चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए कि मैंने कितना प्रोड्यूस किया है, ये कैसे फॉर्मूला आएगा? जैसे कि सेल्स क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन, इज इक्वल टू प्रोडक्शन, ठीक है, सीखा था ना ये हमने। अब मैं आपको डेटा दे रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक था आपका 10,000, क्लोजिंग स्टॉक था आपका 20,000 और यूनिट्स बेचे आपने 90,000। चलो जल्दी बताओ कितना यूनिट्स आपने करंट ईयर में प्रोड्यूस किया, कितना यूनिट आपने करंट ईयर में प्रोड्यूस किया, फटाफट से आंसर दीजिएगा, कितना क्वांटिटी आपने करंट ईयर में प्रोड्यूस किया, फटाफट आंसर दीजिएगा। 1,00,000, परफेक्ट है, क्योंकि आपका जो सेल था वो 90,000 है, एड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000 है, यानी मैंने बेच दिया 90,000, 20,000 उसके बाद भी बचा, यानी टोटल 1,10,000, उसमें से 10,000 ऑलरेडी मैंने मैन्युफैक्चर करके रखा था पिछले साल, तो मेरा जो प्रोडक्शन आया वो आया 90,000। अब आप बोल रहे हो या फिर आप बोलेंगे सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ाते हो, ये तो हम लोगों को सब आता है, ठीक है, ये हम लोग चैंप है इसमें, अब इतना डिटेल में क्यों पढ़ाते हो? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, अब थोड़ा सा लिंक लगाते चलिएगा फ्रेंड्स, लिंक लगाते चलिएगा, ठीक है, आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं ये भी तो समझ लो बॉस, ये भी तो जानना जरूरी है, ये हम क्यों कर रहे हैं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, एंड माय क्वेश्चन टू यू इज दैट जब मैं प्रोडक्शन की कॉस्ट कंसीडर करूंगा तो कितने यूनिट्स की कॉस्ट कंसीडर करूंगा, और जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कंसीडर करूंगा तो वो कितने यूनिट का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगा। मेन तो मेरा पर्पज ये था आपको सिखाने का, ये फॉर्मूला आपको आता है मुझे पता है, लेकिन ये रट्टा मारा था उसका कंसेप्चुअली एप्लीकेशन कैसे वो हम लोग सीखना चाहते हैं। जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जब कैलकुलेट करूंगा, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेट्रा, ये कॉस्ट में कितने यूनिट्स का कंसीडर करूंगा, और जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस कंसीडर करूंगा, सेल्स कमीशन एक्सेट्रा, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, तब कितने यूनिट्स लूंगा। ओके, जितना मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट लेते वक्त यानी प्रोडक्शन की क्वांटिटी लेनी है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लेते वक्त सेल्स क्वांटिटी, यानी मटेरियल का कॉस्ट, मालिक मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट, फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड, मैं कितने यूनिट्स का कंसीडर करूंगा, 10,000 यूनिट का कंसीडर करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे आऊंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मुझे कितने यूनिट्स का कंसीडर करना पड़ेगा, 10,000 या 1,00,000, कितना था प्रोडक्शन, 1,00,000 है क्या प्रोडक्शन, कितना था फ्रेंड्स, 1,00,000 प्रोडक्शन है, ओके प्रोडक्शन 1,00,000, वो गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो 1,00,000 आपका प्रोडक्शन था, राइट, तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 1,00,000 यूनिट के लिए कंसीडर करूंगा, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है वो 90,000 के लिए कंसीडर करूंगा। बरोबर है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, बॉस ये बराबर है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट 1,00,000, मैंने गलती से वो 90,000 लिखा था, ओके, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट लेते वक्त कितना क्वांटिटी लेना पड़ेगा, 90,000, तोड़ मालिक झेपा। तो फ्रेंड्स देखो, रट्टा मत मारो, कंसेप्ट का यूज कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चन बनेगा, एक एक पॉइंट पे आपको यानी वहा इंस्टीट्यूट टेस्ट करेगा, चलेगा। सो फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल से लेक्चर 8:00 रहेगा, ना कि 8:15, ठीक है, 8:00 आपका लेक्चर रहेगा, सुबह 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा टाइम चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा, कॉस्ट शीट के हार्डली हम लोग 3-4 क्वेश्चन पर डे सॉल्व कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी कवर करना है, तो थोड़ा सा टाइम मैं एक्सटेंड करूंगा। तो आज हमने कॉस्ट शीट सीखा है, राइट फ्रेंड्स, आज हमने कॉस्ट शीट सीखा है,
उसका कैसे एप्लीकेशन करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सेट्रा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यस, कॉस्ट शीट सीक्वेंस में होना चाहिए, सीक्वेंस आपको नहीं तोड़ना है। चलिएगा, कल लेक्चर बॉस 8 o'clock है, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आज डाउट नहीं ले पा रहा हूं आपके, ठीक है। मैं आपके डाउट्स आज नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। दर्शन सर शायद वेट करेंगे, आई एम आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या स्टेटस है। तो मैं अभी लेक्चर क्लोज कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। अगर कुछ डाउट रहेगा तो फ्रेंड्स मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में 100% एंटरटेन करूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, चलेगा। दर्शन सर की जय हो, चाय पानी की सोय हो। ओके दर्शन सर, ओके सर जी, थैंक यू सर, जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। सॉरी सर, वेट करना पड़ा आपको।